एक तरफ जहां योगी सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त कराने के प्रयास में जुटी है, वहीं सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित पिलखनी बस स्टैंड पर बनी मार्केट में चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए लगभग 25 दुकानों को शटर उखाड़कर सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। मौके पर व्यापारियों और भाजपा नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। तो पहले भी यहाँ 50 बार दुकान पढ़ ली गई, पांच पांच लगातार पुलिस प्रशासन को हर बार चोरी की तारीख हर बार दी गई, लेकिन किसी बार भी कोई खुलासा नहीं हुआ। और ये यकीन के साथ मैं अपनी पब्लिक को बताया, तो इस बार अगर खुलासा ना हुआ 2 दिन का समय लिया, तीसरे दिन मैं यहाँ रोड पर जाम लगाऊंगा, किसी की मत पीछे नहीं हटूंगा, चाहे पुलिस प्रशासन कुछ भी करे। किस चीज की दुकान? लगभग कितना नुकसान हुआ? अब देखना पड़ेगा, 1.5 किलो चांदी चलेगी। इससे पहले कुछ हुआ घटना? चौथी दफा हुई मेरे। तो आपने सूचना दी? सब कुछ करा है, कुछ में लिखवा रखी थी पहले कई दफा। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं? कुछ नहीं आज तक। लगभग कितनी बार? 4 दफा है, चौथी दफा है। चोरी की इस बड़ी घटना के पीछे पुलिस अधिकारी न सिर्फ 100 डायल की लापरवाही मान रहे हैं, बल्कि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी मान रहे हैं। इटली में ये बंदे से बाहर आउटस्कर्ट में दुकानों के शटर तोड़े गए हैं और इसमें सामान तो नहीं गया है, किसी भी शायद कुछ गया हो, तो लग रहा है कुछ शरारती तत्वों ने ये हमें चैलेंज किया है। हम चैलेंज को स्वीकार करते हैं और बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये 23 या 27 दुकान है, अभी तक 27 होता है, 27 दुकानों के शटर उठाए गए। सर इतनी तादाद में दुकानों के शटर उखाड़ना अपने आप में बड़ी चुनौती है, चुनौती है तो हम स्वीकार करते हैं और बहुत जल्दी इसका अनावरण किया जाएगा। सर जैसे 100 डायल की गाड़ी भी घूमती है, पिकअप भी पेट भी घूम रही है, उसमें क्या उसमें कुछ लापरवाही? हाँ उनकी भी लापरवाही है, उनको भी देखा जाएगा। ये थोड़ा अंदर साइड में भी है, फिर भी वो भी देखना चाहिए कि यही हमारी एक हाईवे रहती है, उसको भी हम कार्रवाई करेंगे। घटना के बाद सहारनपुर सांसद राघव लखनपाल व योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। सांसद ने कहा कि ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। मुझे जानकारी मिली कि यहाँ कुछ दुकानों के शटर फाड़े गए हैं और कुछ सामान, कुछ थोड़ा बहुत सामान गया है कुछ एक दुकान से, तो इसलिए मैं यहाँ पहुँचा कि इतने बड़े पैमाने पर दुकानों में क्यों किया गया, लेकिन लगता है ये कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो जानबूझकर ऐसा एक वातावरण क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कई दुकानों के शटर मोड़ कर बस थोड़े तोड़े गए हैं, लेकिन उनमें कहीं कोई सामान नहीं लिया गया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। निश्चित रूप से जो भी शरारती लोग हैं, हमने पुलिस महकमे को निर्देशित कर दिया है कि वो लोग उनको पकड़कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सर इसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे इससे पहले की कार्यशैली तो अभी तो वही फोर्स चली आ रही है और वही सिस्टम चला आ रहा है, उसमें कोई फेरबदल फिलहाल नहीं किया गया है। जो विरासत में एक कानून व्यवस्था जो खराब हमें मिली है उसको हम सुधारेंगे और आप देखिएगा किस प्रकार से उसमें सुधार ऑलरेडी दिखने लग गया है, आगे आने वाले समय में और भी बेहतर। सर 100 डायल भी जैसे पर रहती है हमेशा, उसके बावजूद भी 3 घंटे 127 दुकान। हाँ पर 100 डायल को उसकी व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है कि 100 इमीडिएटली रेस्क्यू पे आ जाए। यहाँ तो मसला ही कुछ और है, यहाँ तो मसला ये है कि ये कोई शरारत किसी ने किसी के द्वारा की गई। हम खड़े सहारनपुर के बिलखनी बस स्टैंड पर, जहाँ पर मध्य रात्रि के बाद लगभग 27 दुकानों पर जो है चोरों ने दस्तक दी है और हाथ साफ किया है। इससे यहाँ के क्षेत्रवासियों और व्यापारी में काफ़ी रोष नज़र आ रहा है। पुलिस प्रशासन के प्रति इनके अंदर काफ़ी रोष है और इन्होंने जो तहरीर दी है तो पुलिस प्रशासन ने कहा है कि जल्द ही इसमें जांच की जा रही है और जो इसमें दोषी होगा जो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं भगवत मेहरा, इंडिया 24 TV न्यूज़, सरसावा।